हेलो क्रिएटर। तो आज हम देखेंगे यूनिटी में कि एड्स यूनिटी में कैसे यूज़ करते हैं और उससे मोनेटाइज कैसे हो सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना, सर्च गूगल में सर्च बार करना है यूनिटी एड्स। यूनिटी एड्स आने के बाद आपको नीचे जाके ये कैसा इंटरफेस दिखेगा यूनिटी एड्स करके, इस पर आपको एंटर करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ साइन इन कर लेना अपने अकाउंट से। तो मैंने उसको साइन इन कर लिया, वो पहले से साइन इन है। अगर आपके में भी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ आएगा यूनिटी एड्स SDK, तो हमें जाना है मोनेटाइज डैशबोर्ड पे। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू पे जाके आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आपको प्रोजेक्ट नाम डाल देना है, जो भी आपके गेम का नाम है। तो हम डाल देंगे ट्रायल। फिर उसके बाद इसको आई एम नॉट यूजिंग ओनली यूनिटी एड्स, जब हम यूनिटी एड्स यूज़ कर रहे हैं। और ये गेम्स बच्चों के लिए भी है, और यहाँ आपको ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक ऐसा ऐड यूनिट्स मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और आपको दो एक रिवर्ड बना लेना है। ये काम बस करना है, ये हो गया, इसको डन। फिर एक और ऐड करना है इंटरस्टिशियल, प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड, और इस पर क्लिक करना है और क्रिएट, इसको कट, डन। अब ये करने के बाद आपको इसे ओपन रहना है, इसको मिनिमाइज करके आप अपना यूनिटी प्रोजेक्ट ओपन कर लो। ये हमारा यूनिटी प्रोजेक्ट है, तो आपको यहाँ एक नई स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, क्रिएट स्क्रिप्ट, इसको रीनेम देंगे, इसको अब हम रीनेम दे देंगे यूनिटी एड्स। ठीक है, फिर इसको ओपन करना है आपको। तो आपकी ये स्क्रिप्ट है जिसको आपको टाइप करना है, जिसकी मदद से आप अर्निंग कर सकते हो। तो हमें ये दो लाइन जो है इन्हें डिलीट कर देना है, इसे फर्स्ट नंबर पे रखना है। फिर उसके बाद एंटर, यहाँ डालेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन ये वाला, फिर डॉट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, ये एंटर, यूजिंग यूनिटी इंजन, फिर डॉट यू आई। ठीक है, फिर यहाँ पब्लिक ये जो लिखा है न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट वन, इसे कट करके आपको लिखना है यहाँ पे यूनिटी एड्स। ओके, फिर मोनो बिहेवियर के बाद कॉमा देकर आए यूनिटी एड्स एड्स लिसनर। ओके, फिर उसके बाद ये जितना भी लिखा है इसको आपको पूरा डिलीट करना है, इतना यहाँ तक। यहाँ आपको लिखना है प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग गेम ID, फिर स्पेस देकर एंटर इक्वल, फिर एंटर प्राइवेट स्ट्रिंग बैनर ID। ओके, यहाँ पे भी ये लगा के छोड़ देना, एंटर। फिर आएंगे प्राइवेट स्ट्रिंग इंटरस्टिशियल,
आईडी जो है आपको पूरा कैपिटल में लिखना है, ये डी फिर नीचे फिर से प्राइवेट स्ट्रिंग रिवर्डेड वीडियो आईडी। एंटर फिर पब्लिक पब्लिक स्मॉल रखना है आपको, पब्लिक का पी स्मॉल रखना है, सॉरी भूल, टेस्ट मोड फिर से एंटर फिर एक और एंटर, यहाँ लिखना है वॉइड स्टार्ट, इसका एस कैपिटल, फिर एंटर एड एडवर्टाइजमेंट, ये स्पेलिंग एक मिस्टेक है, हाँ एडवर्टाइजमेंट डॉट इन रिश इंटर इनिशियलाइज गेम आईडी टेस्ट मोड फिर एंटर शो इंटरस्टिशियल, यहाँ पे आई इंटरस्टिशियल डॉट इंटरैक्टेबल इंटरैक्टेबल एडवर्टाइजमेंट, ऐसा हटाते हैं इसमें से, एडवर्टाइजमेंट डॉट इज रेडी इंडस्ट्रियल आईडी फिर एंटर वॉच रिवर डेड रिवर्डेड में यहाँ ई डी एड डॉट इंटरैक्टेबल इक्वल एडवर्टाइजमेंट डॉट इज रेडी, ये इज रेडी लगाना है, फिर रिवर्टेड वीडियो आईडी फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डॉट एड लिसनर दिस फिर यहाँ ना एंटर एक और बार और यहाँ लिखना पब्लिक वॉइड शो इंटरस्टिशियल फिर एंटर ये ऐड करना है फिर एंटर एक और बार फिर यहाँ इफ
एडवर्टाइजमेंट डॉट इज रेडी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से ये लगाना है, सॉरी यहाँ लिखेंगे इंटरस्टिशियल आईडी। ओके फिर ये लिखा, फिर इसके बाद एंटर पे ये एंटर, यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट डॉट शो इंटरस्टिशियल आईडी, ये आ गया यहाँ पे ये। फिर इसके बाद यहाँ जाके एंटर एक और पब्लिक वॉइड शो शो रिवर्ट डेट वीडियो। यहाँ पे ये, फिर उसके बाद फिर से एंटर एंटर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट शो शो रिवॉर्डेड वीडियो आईडी। ठीक है फिर यहाँ पर एंटर, सॉरी एंटर एंटर पब्लिक वॉइड हाइड डॉट बैनर। हाइड बैनर उसके बाद फिर से एंटर, यहाँ आएगा एडवर्टाइजमेंट डॉट बैनर डॉट हाइड। ओके यहाँ पर एंटर नहीं, यहाँ आना है फिर एंटर एक और बार पब्लिक void on unity ads ready string string placement ID। ओके एंटर एंटर फिर यहाँ पे एंटर। इफ प्लेसमेंट प्लेसमेंट आईडी रिवर्डेड वीडियो आईडी। ओके
फिर उसके बाद फिर से एक बार एंटर यहाँ पे ये। एंटर यहाँ पे आ जाएगा वॉच रिवर्ड एड डॉट इंटरेक्टेबल, इंटरेक्टेबल इक्वल टू बैक स्पेस इक्वल ट्रू। ओके यहाँ पे एंटर एंटर, फिर एक और बार यहाँ आएगा इफ प्लेसमेंट आईडी इंटरस्टिशियल आईडी यहाँ स्पेस कम, फिर एंटर यहाँ आएगा शो शो इंटर स्टेशन।
ये पूरा कट करना है यहाँ से यहाँ तक, बैक स्पेस, फिर पब्लिक वॉइड, हाँ, फिर इफ शो रिजल्ट, इफ प्लेसमेंट, सॉरी प्लेसमेंट आईडी इक्वल वर्डेड वीडियो आईडी, ये हो गया। फिर एंटर यहाँ पे लगाएंगे ये, एंटर। इफ शो रिजल्ट शो रिजल्ट फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। फिर से एंटर, गेट रिवर्ट, एंटर, एल्स इफ शो रिजल्ट शो रिजल्ट डॉट स्किप्ड, एंटर, डबल स्लैश डू नथिंग, ये डिलीट, ओके। फिर यहाँ पे फिर से एंटर, यहाँ आएगा एल्स इफ शो रिजल्ट शो रिजल्ट फेल्ड डॉट फेल्ड, ओके। फिर यहाँ से एंटर, एंटर, टेल प्लेयर एड्स फेल्ड, फिर यहाँ पे एंटर एक और पब्लिक वॉइड ऑन यूनिटी एड्स ये डिड की जगह यहाँ पे लिखना है एरर, स्ट्रिंग मैसेज एंटर, शो और लॉग द एरर हियर, ओके। फिर एंटर, पब्लिक वॉइड गेट रिवर्ड पब्लिक वॉइड ऑन यूनिटी एड डिड, फिनिश की जगह लिखना है स्टार्ट,
ओके फिर स्ट्रिंग प्लेसमेंट आईडी एंटर एंटर ये एंटर फिर से डबल स्लैश डू दिस इफ एड्स स्टार्ट स्टार्ट ओके पब्लिक void get reward close enter if player perfs dot dot has key gems फिर नीचे enter एंटर यहाँ पे ये एंटर फिर से int gem account player puffs dot get int Good. जेम्स फिर यहाँ पे एंटर प्लेयर पर्प्स सेक्शन जेम्स जेम काउंट प्लस 50 एंटर यहाँ पे स्पेस देकर एल्स एंटर एंटर प्लेयर पर्प्स डॉट सेट int जेम्स डॉट 50 ओके यहाँ पे 50 उसके नीचे आएंगे एंटर यहाँ लिखेंगे जेम्स एक और एंटर जेम्स amt डॉट टेक्स्ट इक्वल जेम्स प्लस प्लेयर
प्लेयर पर्व्स डॉट गेट आईएनटी जेम्स डॉट डॉट टू स्ट्रिंग ओके तो ये थी आपकी पूरी टेक्स्ट। अब हमें इसमें है ना, बस ये जो हमने गूगल से ये लिए थे, दो आईडी बनाई थी रिवर्ड और इंटरस्टिशियल की, तो रिवर्ड की कॉपी करते हैं एम्प्टीएट्स यहाँ पे बैन। अभी इंटरस्टिशियल ली थी, कौन सी ली थी, अभी रिवर्डेड यहाँ लगा देंगे रिवर्ड की आईडी। ठीक है, फिर अब लेते हैं इंटरस्टिशियल की, उसकी यहाँ लगा देंगे। फिर जो बैनर आईडी है वो भी ले लेते हैं, बैनर एंड्रॉइड फिर जो गेम आईडी है वो ले लेते हैं। अब गेम आईडी कहाँ मिलेगी, ये रही आपके एंड्रॉइड की आईडी कॉपी। पेस्ट, ठीक है, फिर इसको कंट्रोल सेव सेव कर लीजिए। अब आप फिर वो स्क्रिप्ट अभी लोड हो रही है, फिर अब आपको जाना विंडो पे जनरल सर्विसेज कंट्रोल प्लस 0 जनरल सेटिंग रिट्राई। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स करके, इस पे जाना है। तो अभी हमने, ये मेरी आईडी है यू प्रोजेक्ट, अभी हमने नया कौन सा बनाया ट्रायल, तो लिंक प्रोजेक्ट आईडी यस, तो ये सेलेक्ट हो गई है। होल्ड ऑन प्लीज। तो अब हमने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली और हमारी स्क्रिप्ट में 0 एरर है अभी तो। और ये भी हमने ऑन कर लिया मोनेटाइजेशन गेम। तो अब ये ऐड लगाएंगे कैसे, तो सबके लिए सबसे पहले आपकी जो यूआई रहेगी, अभी हमने यूआई ऐड नहीं किया है कैनवास। एक बटन ऐड कर देते हैं, तो ये हो गई है, बटन भी ऐड हो गई। तो बटन कहाँ है हमारी, इसकी तरफ चलते हैं, ये बटन है, इसकी तरफ फोकस करते हैं, इंस्पेक्टर में जाते हैं। तो ये जो आपकी अभी बटन है पूरी एम्प्टी है, तो अब हम यहाँ एक ऐड करते हैं, ये यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट एम्प्टी यूनिटी एड्स, ये जो आपने यहाँ लिखा ना वही यहाँ लिखना है, इसको उठा के यहाँ इसके अंदर एक मिनट रीनेम कंट्रोल सी और इसका रीनेम कंट्रोल वी, हो जाएगा। ये जो स्क्रिप्ट है, हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, क्रिएट क्रिएट एम्प्टी एम्प्टी क्रिएट किया, तो उसमें ये ऐड हमने इसमें ऐड कर दिए, ये देखिए आप। फिर उसके बाद जो आपकी बटन है ये अभी खाली है, तो इस ये जो यूनिटी ऐड है इसको आप यहाँ अपलोड कर दो, यहाँ पे नो फंक्शन दिखाएगा, यहाँ यूनिटी एड्स गेट, यहाँ शो इंटरस्टिशियल ऐड, फिर इसको प्ले करोगे आप। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ऐड आना चालू हो जाएगी, आप अभी देख लीजिए, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड आने लगती है आपकी। बाय बाय, एक मिनट,
ये देखिए ये आ गई आपकी ऐड, क्लोज ये एड्स, दिस स्क्रीन विल बी योर एड यूनिटी, एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग, क्लोज। तो ये रही आपकी गेम। और अगर आपको स्क्रिप्ट टाइप करने की जगह है वो रेडीमेड चाहिए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने लिंक पे आप अपलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी आईडी चेंज करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है उसमें। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिले कि लोगों को गेम सीखना या पैसे कमाना सीखना है करके। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।